ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। जोधपुर में बासनी औद्योगिक क्षेत्र में कंटेनर डिपो की तरफ जा रहा एक ट्रेलर मंगलवार को डीजल शेड रोड पर पलट गया। हादसा एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में हुआ। टेम्पो को बचाने के लिए मोड़ पर ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। जोधपुर शहर में कोरियन यूट्यूबर युवती से लोकल युवक ने अश्लील हरकत की। युवती का पहले तो युवक ने पीछा किया, फिर छेड़ने लगा। युवक की सारी हरकत कैमरे में कैद हो गई। युवती ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया। इसके बाद जोधपुर पुलिस हरकत में आई और युवक को शांति भंग धारा 151 में गिरफ्तार किया। फलोदी के रायकाबाग क्षेत्र में एक व्यक्ति ने उधार दिए रुपए वापस मांगने पर पिकअप गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस थाना फलोदी में रमेश पुरोहित नामक युवक ने मामला दर्ज करवाकर बताया, सोमवार दोपहर के समय बाइक लेकर रायकाबाग से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी मुख्य सड़क पर सामने से तेज गति से आ रही पिकअप के चालक ने हत्या की नियत से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे वह उछलकर पिकअप के बोनट पर गिरा और वहां से साइड में गिर गया, जिससे तो उसकी जान बच गई लेकिन काफी चोट आई। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पुलिस को एक लावारिस ट्रक की जानकारी मिली थी। इसकी जब तलाश ली तो इसमें करीब 16 लाख का गांजा मिला। हालांकि तस्कर अभी फरार है, लेकिन पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक बार फिर बारिश होने के साथ ही आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने 12 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश आंधी से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। जसनाथ संप्रदाय के बीकानेर स्थित सबसे बड़े जसनाथ जी महाराज के मंदिर में चोरी हो गई है। चोर करीब 40 किलो चांदी, 28 लाख का भारी भरकम छत्र और मुकुट चुरा ले गए। इसके साथ 100 ग्राम सोने के गहने और 2.5 लाख रुपए कैश भी ले गए। साथ में काफी सामान चोरी किया गया है। घटना के बाद चोर CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ले गए। SP तेजस्वनी गौतम स्वयं मौके पर पहुंची है। क्षेत्र में नाकेबंदी करके एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में युवकों ने 4000 रुपए के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी की जान जोखिम में डाल दी। कर्मचारी पंप पर पेट्रोल भर रहा था। इसी दौरान एक लग्जरी कार में 4 से 5 लड़के आए और उन्होंने करीब 4000 रुपए का पेट्रोल डलवाया और बिना पैसे दिए ही भागने लगे। पेट्रोल पंप का कर्मचारी सागर कार की खिड़की से लटक गया, पर युवकों ने कार इतनी तेज दौड़ाई कि सागर सड़क पर गिर गया और उसके हाथ, पैर और सिर में चोट लग गई। कर्मचारियों ने पीछा किया तो इलाके में कार रोक कर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान कलेक्शन के करीब 50,000 रुपए भी लूट लिए। फिलहाल मोहाना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। NCP नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अजित ने कहा, बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसी विधायक का हस्ताक्षर नहीं लिया गया है, भाजपा के साथ जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जब तक जान में जान है तब तक NCP से जुड़ा रहूंगा, चाहो तो एफिडेविट पर लिख कर दे दूं। इधर NCP चीफ शरद पवार ने भी भतीजे के भाजपा के साथ जाने की खबरों को सिर्फ अटकले बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में सिर्फ मीडिया में बात हो रही है, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को कचरा गोबर गली में बम फेंका गया। इसी गली में माफिया अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा का घर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि 3 बम फेंके गए, इसके पीछे गहरी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि यह सब मुझे डराने के लिए किया जा रहा है।
हरियाणा के करनाल में मंगलवार तड़के 3:30 बजे शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 120 मजदूरों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड पर अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने बड़ा एक्शन लिया है। FBI ने कार्रवाई करते हुए 16 युवकों को नशा तस्करी और अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है, जबकि गोल्डी बराड FBI की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर भारत में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्पाइसजेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल पायलट को विमान के कॉकपिट में एफ्ट कार्गो फायर लाइट जलने की फोर्स वार्निंग मिली थी। इसके बाद विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में 140 लोग सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। पटना से सटे थाना क्षेत्र में बालू माफिया और उसके गुर्गों ने महिला माइनिंग इंस्पेक्टर को घसीट घसीट कर पीटा। चेकिंग के दौरान बालू माफियाओं ने पूरी टीम पर हमला बोला। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें माफिया और उसके गुर्गे पथराव करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि माइनिंग टीम ने अवैध तरीके से बालू से लदे ओवरलोड 150 से ज्यादा ट्रकों को पकड़ा था, लेकिन बालू माफिया ने हमला कर इन ट्रकों को छुड़ा लिया। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने खरसोन की सीक्रेट विजिट की। वहां की सरकार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इस विजिट पर पुतिन फ्रंट लाइन से काफी करीब थे। वो खरसोन में सैनिकों के हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। कोहली पर इंडियन प्रीमियर लीग IPL आचार संहिता के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। IPL के बयान में कहा गया कि कोहली ने IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के तहत नियमों का उल्लंघन किया है। बयान में हालांकि विस्तार से नहीं बताया गया है कि कोहली पर किस घटना के लिए जुर्माना लगाया गया है। भारत में टेक कंपनी एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर ओपन हो गया है। CEO टिम कुक ने कंपनी के पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर को मुंबई में आज यानी 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ओपन किया। उन्होंने स्टोर का दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।